हेलो स्टूडेंट सो वेलकम अगेन विद आर नेक्स्ट टॉपिक अब आपने देखा था लास्ट वीडियो में हम लोग ने वैल्यू एडिड मेथड से कैलकुलेट करा अपना नेशनल इनकम ठीक तो वैल्यू एडिड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम उस वीडियो का ही एक्सटेंशन है ये वाला ठीक है सो यू हैव टू सी प्रीवियस वीडियो फर्स्ट देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड वॉट इज ओके सो इज दैट क्लियर टू यू सो नाउ लेट स्टार्ट विथ टूडेज टॉपिक जो कि है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ठीक अब लास्ट जो हम लोग की वीडियो चलती आ रही हैं ये वाली वीडियो नंबर ट्वेंटी वन होगी ठीक मैंने अभी आपको मैं बार बार हर वीडियो में कह रही हूँ कि भाई पहले की देखो तो जो हमारा नेशनल इनकम है वो वीडियो नंबर 16 से स्टार्ट हुआ है तो अगर आपको पर्टिकुलर नेशनल इनकम ही पढ़ना है तो आप वीडियो नंबर 16 से देखिए और ये 21 वीडियो है आपको रेगुलर सारी वीडियो स्टेप वाइज मिल जाएंगी उसके अंदर ठीक चलिए हम वापस अपने टॉपिक पर ही आते हैं तो आज का हम टॉपिक पिक कर रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अब अगर ये वैल्यू एडिट का एक्सटेंशन है जैसे कि मैंने आपको बताया अब अगर आप ने वैल्यू एडिट मेथड नहीं देखा होगा तो आपको ये बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है ठीक अब ये बहुत छोटा सा टॉपिक है वैसे और बहुत ही सिंपल है बट ये फोर मार्क्स में आने के चांसेस होते हैं इसके पूरे पूरे ठीक है तो क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्रोडक्ट प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ठीक है तो आपको इसके अंदर ये चीज देखनी है अब वैल्यू अब आपको ये पता है कि हमारा जो नेशनल इनकम है वो कौन कैलकुलेट करता है सीओ है ना सी सॉरी तो अब वो जब कैलकुलेट करेगा तो उसके अंदर क्या नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करेगा तो उसको कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि कुछ वैल्यूज जो कुछ प्रोडक्ट की वैल्यूज टू टाइम्स डबल काउंट हो जाती है ठीक है तो वो चीज को ही हटाना है हमें क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि भाई आपने कोई चीज दूसरे वाले प्रोडक्ट में भी ऐड कर ली और अलग भी कर ली तो उससे क्या होगा हमारी फिर तो एक्यूरेट निकल ही नहीं पाएगी हमारी जो नेशनल इनकम है तो इसलिए हम उस, इसको देखते हुए और ये वाली जो टेबल हमारी है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी उसी को हम दोबारा लेते हैं और मैं थोड़ा सा आपका रिविजन करवा देती हूँ ताकि आपको वैल्यू एडिट मेथड भी दोबारा से क्लियर हो जाएगा अगर उसमें रह गया होगा तो और फिर ये डबल काउंटिंग तो आपको आई आ जाएगी तो इसके अंदर हमारे फाइव फेजेज हैं हम एग्जाम्पल लेंगे एक फार्मर है एक मिलर है और एक बेकर है फार्मर ने क्या किया वीट हम मिलर ने उस उस वीट को खरीदा और उससे क्या बनाया फ्लोर, आटा बना दिया और बेकर वो उस आटे को खरीद कर ले गया उसने उसको ब्रेड और या फिर केक बनाकर उसे फाइनली बेच दिया ठीक तो हमने पढ़ा था इसका सेल्स प्राइस यानी कि इसकी वैल्यू क्या थी कि भाई वीट फाइव हंड्रेड का था और वीट जो फार्मर है उसने बहुत ज्यादा कोई रॉ मटेरियल तो नहीं लगाया छोटे छोटे बीज लगाए बाकी तो उसकी अपनी खुद की मेहनत थी तो इसलिए हमने इसको जीरो रखा तो वैल्यू वैल्यू क्या निकली इसकी माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो ये होता है उसको माइनस करके हम यहाँ पे लिख देते हैं तो वीट हमारा फाइव का था और हमारा रॉ मटेरियल हमने जीरो कंसिडर है इसलिए ये फाइव हो गया ऐसी जो फ्लोर है मतलब मालिक है जो मिलर का उसने आटा बनाया तो उसने उसको सेवन हंड्रेड रुपीज में सेल आउट करा अब उसका लेकिन जो रॉ मटेरियल था वो कितने का था आपको वो चीज देखनी पड़ेगी वो तो फाइव हंड्रेड रुपीज का उसने लिया था, है ना? तो सात सौ रुपए हंड्रेड उसकी जो रॉ मटीरियल था वीट जो था तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया टू हंड्रेड रुपीज हो गया यानी की कि उसने कितना मेहनत करी कितना एड करा ओनली टू हंड्रेड रुपीज ठीक फिर अब बेकर की बारी आती है वो जो अपना केक बना रहा है या ब्रेड बना रहा है वो उसको कितने का बेच रहा है वन थाउजेंड रुपीज का बेच रहा है क्यों और उसने जो रॉ मटेरियल खरीदा था यानी कि जो फ्लोर आटा जो खरीदा था उसने मिलर से वो सेवन हंड्रेड का खरीदा था तो में से 700 लेस हुए 300 हो गया अब हमने इन तीनों को जो इनकी मेहनत थी इन तीनों लोगों की जो मेहनत थी जो उन्होंने उस प्रोडक्ट में ऐड करा था वो हमने यहाँ पे अलग से उसको निकाल लिया और यहाँ पे इसका वन थाउजेंड रुपीज आ गया टोटल तो ये क्या हो गया था हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हो गया था ठीक तो ये चीज तो हमारी सॉल्व हो गई थी लेकिन प्रॉब्लम क्या आ सकती है सपोज करिए कि जो वीट है वो फाइव हंड्रेड का है ठीक है और हमने कहा कि भाई जो बेकरी वाला है उसने थाउजेंड रुपीज का आ, केक बनाकर बेचा अगर हमने इन दोनों को ऐड करा तो ये फिफ्टीन तो हंड्रेड हो जाएगा जो कि टोटली रॉन्ग हो जाएगा क्यों क्योंकि थाउजेंड रुपीज में फाइव हंड्रेड का तो वीट है ना या नहीं या ये पंद्रह सो में भी वीट है इसके अंदर तो ये वाला जो मेथड है इसी में ये पूरा गड़बड़ कर देगा तो ये क्या हो गया हमारा डब हमारी प्रॉब्लम है जो डबल काउंटिंग की उसको एराइज कर देगा ठीक है तो इसलिए हमें ये नहीं देखना है हमें ऐसा नहीं देखना है हमें वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंग सिर्फ ये चीज देखनी है कि भाई हमार हमने उस चीज पर कितना काम किया हमारी कितनी मेहनत लगी और हमने इसको ऐड कर लिया तो हमारा ये चीज आ गई तो ये हमारा वैल्यू एडेड मेथड हो गया मतलब तो जो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होती है हम उसको दो तरह से अगर लें तो इन दोनों मेथड से वो दूर हो सकती है कौन कौन सा मेथड पहला तो हमारा वैल्यू एडेड मेथड है और सेकंड मेथड है हमारा फाइनल आउटपुट मेथड क्लियर तो ये जो हमने पढ़ा था ये हमारा वैल्यू एडेड मेथड था जिसके थ्रू अगर हम अपना जी निकालेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक अब बात आती है कि फाइनल आउटपुट मेथड क्या होता है फाइनल आउटपुट मेथड होता है कि फाइनली वो चीज कितने में पड़ी मतलब हम फिर ये दोनों चीजें नहीं देखते हम ये नहीं देखेंगे हम देखेंगे सिर्फ कि हमारा उसको उसने कितने में बेचा वन थाउजेंड रुपीज में तो हम इसको क्या ले लेंगे एज अ फाइनल आउटपुट मेथड हम ले लेंगे तो ये हम इसमें मानेंगे तो इसका और इसका वैसे दोनों आंसर सेम ही होते हैं ये ठीक है तो ये क्या चीज हो गई हमारी प्रॉपर uh, फाइनल हो गया क्योंकि हमने सिर्फ आउटपुट देखा हमने ये चीज नहीं देखी कि भाई किसने क्या बनाया क्या नहीं वो चीजें हमने नहीं देखी क्लियर अब अब हम देखते हैं कि जीडीपी जो हमारा होता है वो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं जीडीपी जीडीपी हमने बहुत सुना है तो जीडीपी होता क्या है वैसे जीडीपी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस है ना जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुए इज इन एन अकाउंटिंग ईयर डोमेस्टिक इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री वो क्या होती है हमारी जी डी पी एम पी होती है ठीक है तो ये क्या है ये फाइनली ये ही तो आ गया ना तो इसलिए हम इसका मतलब क्या है कि छोड़ो वीट छोड़ो फ्लोर छोड़ो सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट आपका केक देखो कि भाई उस चीज से हमारा केक बना और वो इतने में बिका उसको हम क्या कहेंगे अपना आ, फाइनल आउटपुट मेथड कहेंगे ठीक तो इससे हमारा क्या निकल आया इससे हमारा निकल आया, GDP MP, GDP MP, निकल आया GDP MP तो जी डी पी एम पी ठीक अब जी डी पी एम पी आपका निकल निकालनी है क्योंकि हमारा नेशनल इनकम चल रहा है और नेशनल इनकम हमारा क्या होता है नेशनल इनकम हमारा होता है एन एन पी एन एन पी एफ सी ठीक तो फैक्टर कॉस्ट ही होता है आपको मैंने बताया हुआ है ये तो अच्छी तरह से अब बात आती है कि भाई जीडीपी एमपी से हम एनएनपी एन पर कैसे पहुंचेंगे अब ये चीज हम लोग कब से देखते आ रहे हैं तो आपको इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर हमें ग्रॉस से नेट पर जाना है तो हम क्या करते हैं हम करते हैं माइनस डेप्रिसिएशन अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल पर आते हैं तो हम क्या करते हैं ये चीजें आपको ना बार-बार दोहरानी है ताकि आपको याद हो जाए तो हम क्या करते हैं प्लस करते है। प्रड़क्त, प्रड़क्त हैं एन एफ आई ए प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है लेकिन हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम क्या करते हैं माइनस एन आई टी तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमने बहुत बार पढ़ा है अब तो तो ये क्या हो गया आपका ये आपका एनएनपी एफसी यानी कि नेशनल इनकम आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे क्लियर तो अब अगर मैं कहूँ कि टू प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को कैसे एलिमिनेट करें तो हम कहेंगे वी कैन एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग बाय यूजिंग एनी वन मेथड है ना एनी वन मेथड 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 वैल्यू एडेड और फाइनल आउटपुट इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप कभी नहीं वो करना अगर आपने इन दोनों का कॉम्बिनेशन करा कि पांच और दो सौ सात रुपए को भी एड कर लिया और ये फाइनल को वन को कर लिया तो सत्रह हो जाएगा वो भी गलत रहेगा तो हमें ऐसा नहीं करना हमें सिर्फ एक मेथड अडोप्ट करना है चाहे हम वेल्यूएड मेथड करें चाहे हम फाइनल आउटपुट मेथड को प्रेफर करें ठीक अब अगर आपका क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि एक्सप्लेन डबल काउंटिंग आपका मेथड जो प्रॉब्लम है तो आप इसके अंदर क्या करेंगे आप सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है उसके बाद आप इस टेबल को एक्सप्लेन करेंगे पूरा और उसके बाद आप अपने ये दोनों मेथड्स बताएंगे और फिर ये लिखेंगे कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन अ ईयर वी जस्ट हैव टू यूज एनी वन ऑफ द अबव मेथड क्लियर तो होपफुली आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी तो अब हमारा वैल्यू एडेड मेथड एक हो चुका है नेशनल इनकम का कैसे मेजर करते हैं उसके अंदर जो छोटा सा पार्ट प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग था आज वो भी कंप्लीट हो गया अब नेक्स्ट हमारे दो मेथड्स रह गए हैं कौन कौन से हैं वो इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड हम लोग अपनी अपकमिंग विडियोज में वो और देखेंगे उसके साथ फिर हमारा नेशनल इनकम फिनिश हो जाएगा ठीक सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे